हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपका अपने ही कुकिंग चैनल पर जिसका नाम है रेस्टोरेंट स्टाइल। आज मैं आपको मछली के अंडे की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। मछली के अंडे बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं फ्रेंड्स, ये जिम लवर्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन्स होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको बताती हूँ कैसे बनाना है इसे। इसके लिए हमने लिया है 200 ग्राम मछली के अंडे। ये सुपर मछली के अंडे हैं फ्रेंड्स, जो बहुत बारीक होते हैं। इसको हमने अच्छे से धोकर रख लिया है। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और इसे गर्म करने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। जैसे ही तेल गर्म हुआ, हमने उसमें डाला कड़ी पत्ता, डालेंगे थोड़ा सा जीरा और फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे प्याज और कटी हुई हरी मिर्च। फ्रेंड्स, मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, जो आप खाते हो, क्योंकि मछली के अंडे और सरसों का तेल दोनों ही काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। तो सरसों का तेल इसका दोगुना स्वाद बढ़ा देगा फ्रेंड्स, इसीलिए मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। प्याज को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, प्याज हमने अच्छे से गोल्डन फ्राई कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। एक टमाटर को मैंने बारीक कट करके लिया है। टमाटर नरम होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मछली के अंडे। मछली के अंडे डालकर फ्रेंड इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से आप मिक्स करना है। इसमें अब हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए और इसको कंटिन्यू हिलाते रहिए जब तक कि ये फूल के पूरे की चटनी जैसी ना बन जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल आपको दिख रहा होगा, ऑयल इसमें से सेपरेट हो रहा है। इसका मतलब हमारी अंडे की भुर्जी पूरी बन के रेडी है और ये खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी जितनी ये दिख रही है और न्यूट्रिशियस से भरपूर है। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर बनाइए। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।